फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 3 के बारे में। इंग्लिश सब्जेक्ट की है बच्चों, क्लास 6th की है और आज की डेट क्या है 8/9/2021। यहाँ पर बच्चों अपना नेम या अपनी टीचर का नेम आपको लिखना है। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों आपको एक बात बता दूँ कि क्या है, लास्ट वीक का जो विनर था बच्चों, उसको क्या है गिफ्ट दिया गया, उसने गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करी, उसकी वीडियो उसने हमें सेंड करी थी जिसे हमने चैनल पर डाला है। यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हो या हमारे चैनल पर जाके वहाँ से भी आप उसे देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों एक बात और बता दूँ आपको, इस वीक भी कॉन्टेस्ट ऑन है। यदि आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। और आपको एक बात और बताऊँ बच्चों, वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं वीडियो को फुल वॉच नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं क्या है बहुत ज़्यादा पीछे होते चले जा रहे हैं इस कॉम्पिटिशन के अंदर। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। अ पोयम, अ हाउस एंड अ होम, इसके बारे में आज बात करेंगे हम लोग। बोला गया, ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग द पोयम अ हाउस एंड अ होम कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको इनके बेसिस पर क्या करना है, नीचे दी गई चीज़ों को कंप्लीट करना है। जैसे व्हाट इज हाउस, फिर क्या है अ वुड दैट हार्ड, अ प्रीफेस, अ यार्ड, एंड क्या है टिल फ्लोर, एंड उसके बाद क्या दिया गया अ लॉट्स ऑफ डोर। तो इसका पूरे का मैं सॉल्यूशन क्या करता हूँ आपको करके दिखाता हूँ। तो बच्चों आप सभी क्या लिखोगे, लिखोगे व्हाट इज़ अ हाउस, इट इज़ ब्रिक्स एंड स्टोन, अ वुड दैट हार्ड, सम विंडो ग्लास, ठीक है, अ फ्रेसेस, अ यार्ड, इट इकेव्स एंड चिमनी, एंड टिल फ्लोर एंड स्टोक एंड रोफ। इसे क्या करेंगे बच्चों आप, इस तरीके से पूरा फिल्ड कर लेंगे। ठीक है, और ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, मैंने इनको आप क्या करोगे बच्चों अपनी वर्कशीट में लिख लोगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों आगे क्या दिया गया, आगे देखो बोला गया रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन करेक्ट बॉक्स दे विच आर बिलोंग। आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे स्पून है, बेड है, टेबल है, ठीक है, टूथपेस्ट है, ब्लैंकेट है, स्पोक सोप है, ठीक है, बॉल है, इसके बाद क्या है बाउल है, टॉवल है, पिलो है, इस तरीके से कई वर्ड्स दिए गए हैं। और आपको क्या करना है, इनमें क्या करना है इसको फिल्ड करना है जिससे ये रिलेट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों आपको एक बार में सारा लिख कर दिखा देता हूँ, जल्दी जल्दी उसे नोट कर लेना। ठीक है, तो बच्चों आप सभी लिख लो, ठीक है, ब्लैंकेट, पिलो, कॉम, टेलीविज़न, बेड एंड टेबल, ये किस में हो गया बच्चों, बेडरूम में हो गया। इसके बाद किचन में क्या हो जाएगा, स्पून, बाउल, नाइफ, रूफ, ठीक है, इसके बाद क्या है प्लेट, जार, ओवन, फ्रिज, कुकर एंड हो जाएगा टोस्टर। ठीक है, इसके बाद बाथरूम में टूथपेस्ट, सोप, टॉवल, टूथब्रश, मिरर, सिंक, शावर एंड शैम्पू, ये सभी चीज़ें हो जाएंगी बाथरूम में। तो आप इसे क्या कर लेंगे बच्चों, पूरा नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लियर ना दिखे तो अपनी क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं आगे क्या दिया गया है। तो आगे बच्चों क्या दिया गया है, राइट टू सेंटेंस अबाउट हाउस एंड राइट टू सेंटेंस अबाउट होम। तो हाउस और होम के ऊपर दो दो सेंटेंस लिखने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में हाउस के ऊपर और क्वेश्चन नंबर 4 के बीच में जो है होम के ऊपर। तो मैं इन दोनों को एक साथ आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ बच्चों। तो बच्चों आप क्या करोगे, लिखोगे अ हाउस इज़ अ मेड अप ऑफ ब्रिक्स, स्टोन एंड हार्डवुड, इट हैज़ फाइन पेंट, चिमनी, विंडो ग्लास, डोर, कॉरिडोर, रूफ एंड टिल फ्लोर। ठीक है, ये आप क्या करोगे, दो पॉइंट को आंसर नंबर 3 के रूप में लिख लोगे बच्चों। इसके बाद क्या करोगे, राइट टू सेंटेंस अबाउट होम, होम के बारे में लिखना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ होम इज़ अ मेड अप बाय फैमिली, इट हैज़ अनसेल्फिशनेस, एक्ट शेयरिंग एंड केयरिंग फॉर देम लव वंस। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे आंसर नंबर 4 के रूप में लिख लोगे। चलो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। तो बच्चों आगे क्या आगे आपकी कार्यपत्रिका होती है यहीं पर समाप्त। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताना, वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना और फुल वीडियो देखने की कोशिश करना। धन्यवाद बच्चों।